दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आम्बेडकर पर गरजे बराक ओबामा, इलाया संसद। आइए समझें, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बस आप हमारे साथ ऐसे ही अंत तक इस वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जितना प्रभाव हमें भारत में देखने को मिलता है, उससे कहीं ज्यादा प्रभाव हमें विदेशों में देखने को मिलता है, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, जो हर समाज, हर देश, हर तबके के लिए एक आदर्श स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। हम यह तो सभी जानते ही हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अब तक हजारों लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं, बड़े बड़े व्यक्तित्व द्वारा उनका जिक्र किया जा चुका है। लेकिन हाल ही में अभी एक मूवी भी आई हॉलीवुड में, जिसकी स्क्रीनिंग हुई और रिलीजिंग अभी बाकी है, और इस मूवी ने रिलीज होने से पहले ही तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड में आई ओरिजिन मूवी की, जिसने अमेरिका में हल्ला काटा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बराक ओबामा ने डॉक्टर अंबेडकर पर ऐसा क्या कहा था। भारत में जब पूरा संसद तालियों से गूंज उठा था, आखिर कैसे ओबामा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक ऐसा व्यक्तित्व बता दिया कि पूरी दुनिया चौंक गई थी। आखिर कब बराक ओबामा ने ऐसा कहा था, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। यह भी बताएंगे कि अमेरिका में कैसे एक बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ, वो भी बाबा साहब की प्रतिमा का। बताएंगे आपको उस रोड के बारे में भी जो कि अमेरिका में है और बाबा साहब के नाम पर है। चलिए शुरू करते हैं। इस तस्वीर में आप काफी सारे लोगों के हाथों में एक स्लेट लिए हुए देख रहे हैं, जिस पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर वे लिखा हुआ है, जहां लोगों ने जय भीम का गले में गमछा भी डाला हुआ है। लोगों ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर नाम की यह रोड प्लेट हाथों में उठा रखी है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह अमेरिका की तस्वीरें हैं, जहां अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्ट्रीट का अनावरण किया गया। इस मौके पर जय भीम के नारे भी लगाए गए और अब से इस रास्ते को डॉक्टर अंबेडकर वे के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा इसी साल 15 अक्टूबर 2023 अमेरिका में ही बाबा भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ और समारोह में जय भीम के नारे लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का औपचारिक रूप से अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया। यह भारत से बाहर बाबा भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति है। यह 19 फीट की मूर्ति है और इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। इसका जब अनावरण किया गया तो 500 से अधिक भारतीय और अमेरिकी लोग शामिल हुए और इन्होंने जय भीम के नारे लगाए। आपको ज्ञात हो कि इस 19 फीट की प्रतिमा को सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है। अब आते हैं बराक ओबामा पर। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा ने एक बार भारत के संसद में धूम मचा के रख दी थी, जब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा था और उस समय यह दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था। इसके अलावा बाबा साहब अंबेडकर पर जो बराक ओबामा ने बोला, उसका पब्लिकली वीडियो यही उपलब्ध है। लेकिन कहा जाता है कि एक बार बाबा साहब अंबेडकर पर बराक ओबामा ने कहा था कि अगर अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो सूर्य का नाम बदलकर अंबेडकर रख देते। आखिर क्या कहा था बराक ओबामा ने, यह आप खुद राजरतन अंबेडकर के मुंह से सुन लीजिए। बराक ओबामा, पता है ना आप सभी लोगों को, यह बाइड से पहले, ट्रंप से पहले वो यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। यूएस का प्रेसिडेंट यूएस के प्रेसिडेंट होते समय यह कहते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम सूरज का नाम बदलकर अंबेडकर रख देते। बाबा साहब अंबेडकर अब पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उन पर चर्चाएं होती हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने पर ऐसे 250 विद्यार्थियों की सूची तैयार कराई थी, जो आज तक कोलंबिया विश्वविद्यालय के सबसे विद्वान छात्र रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सूची में सर्वसम्मति से
पहले स्थान पर भारत के डॉक्टर बी आर अंबेडकर को रखा गया और इस विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक महत्व के पुस्तकालय द्वार पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा काफी पहले से स्थापित कर दी गई है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय शिक्षा तो प्राप्त की ही थी, उसके साथ साथ इन्होंने अनुभवजन्य व्यवहारिक ज्ञान की जो प्रचुरता थी वह भी वहाँ फैलाई। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।